Hey guys, once again welcome to Shama's Makeover channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope are you doing well. কিরকম আছেন আপনারা? I hope আপনারা ঠিক আছেন. Yes guys, आज का जो टॉपिक है वो है कि परीक्षा में स्थिर रहिए. अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, परीक्षा है, दुख है, तकलीफ है, तो आप लोग शांत रहिए, क्योंकि परमेश्वर है आपकी परीक्षा में आपका ध्यान रखने के लिए. क्योंकि बाइबल हमें बताती है, चलिए मैं आपको एक स्क्रिप्चर पढ़ के सुनाती हूँ. बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्चर है, बाइबल से है, न्यू टेस्टामेंट में. तो चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है, अगर आप जाते हैं बाइबल में 1 Corinthians chapter 10 में, अगर आप पढ़ते हैं 13, तो इसमें जो लिखा हुआ है, ये आयात में लिखी है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सैनी के बाहर है. परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको. तो जैसे कि आप इस वचन में देखते हो कि बहुत ही बढ़िया वचन है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, समझ गए? मतलब आपके लाइफ में परमेश्वर बोल रहा है कि आप किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े कि जो मनुष्य के सहने के बाहर है. तो हम एक छोटा छोटा करके इसको मैं आपको डिटेल में सिखाती हूँ. आज आपकी ज़िंदगी में क्या परीक्षा है? क्या आपके पास जॉब नहीं है? क्या आप स्टडी बहुत अच्छा करते हैं बट आप अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पा रहे हो? या क्या आपके ऑफिस में आपके कलीग आपको बहुत प्रॉब्लम्स करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, एक वो परीक्षा है? क्या आप मैरिड है और आपकी शादीशुदा लाइफ की परीक्षा है? क्या आपके बच्चे सही ढंग से नहीं चल रहे, क्या वो परीक्षा है? क्या आपके घर में प्रॉब्लम्स हैं, हमेशा इतनी प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो परीक्षा में है? आपके जीवन में क्या परीक्षा है? जो भी है परमेश्वर जानते हैं. तो इसीलिए परमेश्वर ने ये वचन मेरे मुंह से कहने के लिए कहा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं. क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और परीक्षा थी, लेकिन जब जब मैं स्थिर रही, जब जब मैंने परमेश्वर के वचन पर ध्यान दिया, तब तब परमेश्वर ने मेरे हर एक परीक्षा में मेरा साथ दिया. और परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मेरी ज़िंदगी में, सीरियसली फ्रेंड्स, इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में मुझे बहुत शांति मिली. ये वचन सच में इतना पावरफुल है. अगर आप पढ़ते हैं 1 Corinthians chapter 10 verse 13, पहले कुरिन्थिस में जाइएगा, चैप्टर 10 पढ़िएगा, उसका 13 में लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े कि जो मनुष्य के सहने के बाहर है. रियली आज आपके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है कि आप सह ना सको, क्योंकि आगे लिखा है, क्या लिखा है वचन में, बोला है कि परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको. क्योंकि यहाँ साफ साफ वचन में कहा है कि परमेश्वर सच्चा है. परमेश्वर क्या है? परमेश्वर सच्चा है, वो अच्छा है, परमेश्वर सच्चा है, और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, बल्कि परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको. अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, साफ साफ बाइबल में क्या बताती है कि अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है, परेशानी है, परमेश्वर आपको इतनी परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा कि आप सह ना सको. उतना ही परीक्षा परमेश्वर लेता है जितना हम सह सकते हैं. जैसे कि अगर मैं अपने लाइफ के बारे में बात करना चाहूँ, आज जहाँ मैं आप देख सकते हैं, जहाँ मैं बैठी हूँ, दिस इज़ माई हाउस. मैं रेंट में थी, रेंट अकोमोडेशन में थी, और कितना मेरे लिए टफ होता था. एवरी ईयर रेंट हमारा यूं ही बढ़ जाता था, चाहे मुंबई रहते हो, दिल्ली रहो, कहीं भी, कोई भी सिटी में रहो, कोई भी कंट्री में रहते हो, यू नो, हर वक्त आपका रेंट हर साल बढ़ता है. इतनी महंगाई, इतना सारी चीज़ें मैं देख के, मैंने सिर्फ परमेश्वर पे प्रे भरोसा रखा और प्रार्थना किया, परमेश्वर गॉड ब्लेस मी सच अ ब्यूटीफुल हाउस. 2019 का मेरा गोल कम्प्लीट हो गया, जैसे आप लोग जानते ही है. इसी तरह फ्रेंड्स, मैंने अपना करियर हाउसकीपिंग से शुरू किया, फिर जूनियर आर्टिस्ट, फिर जूनियर असिस्टेंट, फिर असिस्टेंट, फिर जूनियर हेयर स्टाइलिस्ट, फिर सीनियर, और उसके बाद आज मैं जहाँ मैं वर्क कर रही हूँ, दैट यू नो ऑल. ये सब ऐसे ही नहीं हो गया कि चुटकी भर में हो गया सब कुछ, नहीं. आई डिड सच अ हार्ड वर्क इन माई लाइफ. गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ. परमेश्वर उनका ही हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं. अगर आप आज हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो ज़रूर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा. विश्वास करो. 1 Corinthians 10:13 ज़रूर पढ़ना. गाइस, बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के पास
बाइबल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप लोग गूगल में जाइए, सर्च कीजिए, वहाँ पे फर्स्ट कुरिन्थियस चैप्टर 10 वर्स 13 में रीड कीजिएगा। साफ साफ अक्षरों में परमेश्वर आपसे बात करेंगे क्या कि आप किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े कि सहने के योग्य नहीं है। परमेश्वर उतना ही परीक्षा लेता है, परमेश्वर उतना ही परेशान करते हैं जितना आप सह सकते हो। आखिर आप सभी लोग परमेश्वर के बच्चे हो, हम सब लोग उस परमेश्वर के बच्चे हैं, राइट? सो इसीलिए आज आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है सो गॉड की तरफ से ये छोटा सा मैसेज है, खुश रहिए, खुश रहेंगे तो परेशानी छोटी लगेगी क्योंकि परमेश्वर बड़ा है और प्रॉब्लम छोटी सी है, राइट? और बताना चाहती हूँ कि आखिरी में कि परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, बरकत दे, इस साल आप लोग खुश रहे और आपके जीवन की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय गाइज, सी यू सून।